बीते दिन मॉडल एंड एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर से हलचल मच गई थी, लेकिन अब खुद एक्ट्रेस पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अभी वह जिंदा हैं और उनकी सर्वाइकल कैंसर से मौत नहीं हुई है। साथ ही पूनम पांडे ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी झूठी मौत की खबर क्यों फैलाई। पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के साथ कुछ जरूरी बात शेयर करना चाह रही हूं। मैं यहां हूं और जिंदा हूं। सर्वाइकल कैंसर ने मुझे नहीं मारा, लेकिन दुख की बात यह है कि इसने उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जिन्हें इस बीमारी से निपटने के बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ अन्य कैंसर्स के उलट सर्वाइकल कैंसर से रिकवरी पॉसिबल है। मेन बात HPV वैक्सीन और जल्द डिटेक्शन टेस्ट है हमारे पास, ये सुनिश्चित करने के साधन है कि इस बीमारी से किसी की जान न जाए। आइए क्रिटिकल अवेयरनेस के साथ एक दूसरे को सशक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि और सुनिश्चित भी करें कि इस बीमारी में हर महिला को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सूचित किया जाए। हम सभी मिलकर इस बीमारी के विनाशकारी प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करें। वहीं आपको बता दें कि पूनम पांडे ने अपनी झूठी मौत की खबर फैलाने पर कहा कि मेरा ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना था। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.punampandeisalive.com. तो पूनम पांडे ने, उनका कहना था कि इस कैंसर के बारे में लोग बात तक नहीं करते हैं, जिसके कारण साइलेंटली कितनी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। फिलहाल पूनम पांडे की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ उनकी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उन्होंने जो अपनी मौत की गलत खबर फैलाई उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं।